तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं आपके साथ वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग। वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग माइक्रो से रिलेटेड। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज होता है जो आपकी जो माउस मूविंग है उसको रिकॉर्ड करने, उसकी कोड में कन्वर्ट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। जी ठीक है, जी अब आपके सामने एक डेटा है, उसके एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। मैं एक ऐसा माइक्रो बनाना चाहता हूं जो कि मुझे डेटा को सेग्रीगेट करे। मेरे पास एक डेटा जो आपने सामने दिख रहा है आपको, अब जी मुझे इस डेटा में क्या होता है कि हमारे पास जो पर्सन है, मुझे कॉल कर, जैसे पूजा ने कॉल किया, बोला मेरा मुझे मेरा डेटा भेज दो, तो जी मुझे फिल्टर लगा के पूजा के डेटा को कॉपी करके एक नई फाइल में पेस्ट करके फिर उसको सेव करके फिर उसको मेल करना होता जी है। तो मेल तो चलो मैं कर लूंगा, हालांकि मेल भी ऑटोमेशन किया जा सकता है, कि फिलहाल बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत बुरा प्रोजेक्ट हो जाएगा, तो हम मेल वाला पार्ट को छोड़ देते हैं। हम बात करते हैं कि भाई जो हम भेज रहे हैं वो फाइल क्रिएट हो जाए। मैं रन करूं, मुझसे एक नाम, मुझसे पॉपअप में पूछे नाम, नाम डालूं, उस नाम का डेटा कॉपी करके एक अलग फाइल पे कॉपी पेस्ट कर और जी फाइल को एक लोकेशन में सेव कर। ठीक है, जी तो इसके लिए करेंगे, तो जैसे मैं बताया था कि आपको माइक्रो को शुरू करने से पहले डेवलपर टैब माइक्रो को अनेबल होना चाहिए और साथ जी में फाइल को क्या करेंगे, सेव करेंगे। और सेव किसमें करेंगे? वहां पे माइक्रो अनेबल सेट में जी हाँ, माइक्रो अनेबल वर्कबुक, माइक्रो अनेबल वर्कबुक में हम अपने जी फाइल को सेव करें। हमने माइक्रो अनेबल वर्कबुक में फाइल को सेव कर, अब इसका नाम मैं डेटा कर देता हूं, जो पता रहेगा कि हाँ डेटा है। अब फाइनलाइज करता हूं। ध्यान रखिएगा, जब रिकॉर्ड माइक्रो शुरू करेंगे तो जी यहाँ माइक्रो नेम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, अपना माइक्रो वन भी रख सकते हैं, इस पर अपना माइक्रो का शॉर्टकट दे सकते हैं शॉर्टकट और फिर इसको ओके कर दीजिए। अब माइक्रो ओके होके हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी मत कीजिएगा, जैसे कि कहीं क्लिक करना, माउस क्लिक करना, राइट या स्क्रॉल करना, किसी और सीट पे जाना, जो जरूरत है उसी चीज को करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं सीट टू पे चला गया, तो सीट टू पे जाने का कोड एक्टिव अलग हो जाएगा, और जैसे ही मैं माइक्रो रन करूंगा तो सीट टू को खोजेगा। अगर सीट टू नहीं होगा तो फिर वो एरर एरर देगा। ठीक है, जी तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पे A1 पे क्लिक किया, फिल्टर लगाया और यहां से मैंने सेलेक्ट किया, मान लीजिए अमर को ही सेलेक्ट कर लिया। जी फिर हम अब यहां माउस से सिलेक्शन नहीं करेंगे सर, यहां पे करेंगे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो, और डायरेक्ट कॉपी नहीं करेंगे, पहले हम जाएंगे कंट्रोल जी स्पेशल, और यहां पे सिलेक्ट करेंगे हम विजुअल सेल्स ओनली, विजुअल सेलेक्ट करेंगे विजुअल सेल सेल्स वन ओनली, उसके बाद इसको कॉपी करेंगे। अब मेरे पास सीट टू सीट थ्री ऑलरेडी है, बट मैं इस पे जाके डेटा पेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इस पे अगर गया तो क्या होगा, वो सीट थ्री में ही पेस्ट सीट थ्री में करता करेगा, हमेशा उसके पास आपको रन करने से पहले सीट थ्री को रखना पड़ेगा। होगा, रखना पड़ेगा तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एक नई सीट को नई इंसर्ट सीट। करूंगा ताकि नई सीट इंसर्ट होने का कोड जनरेट हो जाए, फिर जी उसको पेस्ट करूंगा, सीट का नाम चेंज करूंगा अमर, उसके बाद सीट के ऊपर राइट क्लिक कर मूव एंड कॉपी में, मूव क्रिएट कॉपी नहीं क्लिक करूंगा, ठीक है सर, कि जी हमें मूव करना है, न्यू वर्कबुक एंड ओके। अब इस फाइल को सेव करूंगा अपने लोकेशन पे जहां मुझे सेव करना है, जैसे मान लीजिए मुझे जी ड्राइव में करना है, मोर मान डालो में ऑप्शंस, और हमने जी ड्राइव के अंदर 2022 इसका नाम कर दिए अमर जी एंड सेव, और यहां पे अमर को क्लोज कर देता हूं, जी और डेटा शीट पे गया और फिर इसको सिलेक्ट किया, इसकी फिल्ट्रेशन हटा दी। हटा
और फिर यहां माइक्रो को हम स्टॉप स्टॉप करते हैं। अब माइक्रो रिकॉर्ड तो हो गया माइक्रो वन, लेकिन ये रन नहीं हुआ, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। चलिए उन प्रॉब्लम को दूर करते हैं, ठीक है। तो हमने एडिट माइक्रो पे क्लिक किया तो आ गए उसकी कोड में जी। सबसे पहले यहां आपको दिख रहा है ए वन, सही रहेगा, सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर, और यहां भी ऑटो फिल्टर लगा। अब जानते हैं कि एक डेटा में एक बार फिल्टर लगने से फिल्टर अप्लाई होता है, दूसरा ऑटो फिल्टर लगाएंगे तो क्या होगा, डिसअप्लाई हो जाएगा, डिसअप्लाई हो जाएगा, तो एक फिल्टर नहीं रहेगा तो ही बेहतर है। तो मैं इसको हटा दिया, राइट सर जी। फिर से फिल्टर लगाया, अमर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया विजुअल सेल को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, शीट को ऐड किया, शीट को पेस्ट किया, शीट फोर डॉट सिलेक्ट। अब मुझे इसको डिलीट करना होगा, ऐसा इसलिए कि जब भी शीट इंसर्ट होता है तो उसका नाम शीट फोर होगा, गारंटी थोड़ी हो, वो शीट फाइव शीट सिक्स भी हो सकते हैं जी, जी। इसको मैंने यहां से रिमूव कर दिया। अब शीट फोर डॉट नेम अमर, तो शीट फोर ही होगा इसलिए गारंटी नहीं है। तो एक्टिव शीट को यहां से हम सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू अमर, अमर। फिर रेंज बी नाइन सही है, अमर डॉट सिलेक्ट इसको हटा दीजिए, ठीक है। और मान लो हम अमर ना लेके पूजा लेते तो यहाँ पे ऑटोमेटेड पूजा, हाँ, पूजा आता, तो अमर पूजा से मतलब नहीं है, नाम नहीं होना चाहिए। ओके, तो मूव हो गए यहाँ पे और फिर फाइल को हमने सेव कर दिया, एक्टिव विंडो क्लोज हुआ, डेटा शीट पे गए, ऑटो फिल्टर हटा दिया। अब परफेक्टली अब मेरा एफ आर जो है रन होने पे चल जाएगा, लेकिन हमेशा अमर का ही डेटा देगा जी। लेकिन मैं चाहता हूं मुझसे पूछे, तो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे एक लाइन ऐड करूंगा कि n इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे दिया कि एंटर नेम। अब यहां पे देखिए क्या है कि इनपुट बॉक्स क्या करेगा, रन होते ही पॉपअप देगा जहां पे मैं कुछ टाइप कर सकता हूं। जैसे उस पर टाइप करूंगा तो जो टाइप की गई इंफॉर्मेशन n पे स्टोर हो जाएगी। अब n क्या है, n वेरिएबल्स है, डेटा टाइप्स है, या कह दीजिए एक सेविंग टेम्पोरली सेविंग लोकेशन है। जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड एबीसी लेते हैं ना जी जी जी, जी, जी। लिख दिया एक्स इक्वल टू 100 और जहां 100 की जरूरत है वहां एक्स यूज करते हैं। उसी तरह से हमने बोल दिया कि n इक्वल टू इनपुट बॉक्स में चली गई नेम, और जहां जहां मुझे अमर मतलब नेम की जरूरत है वहां पे क्या कर देंगे, n को कर देंगे, n से उठा लेंगे, ठीक है जी। अब यहां पे मैं n नहीं कर सकता क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो n नाम का ही फाइल बना देगा, तो मुझे यहां पे इसको तोड़ना होगा, कॉन्केट करके इसको हटाना होगा, इन्वर्टर कोमा से बाहर हटाना होगा। अब जाके जो नाम हम डालेंगे उस नाम का फाइल बनाएगा। ओके, हमने क्यों हटाया इन्वर्टेड कोमा, देखिए बताता हूं आपको, सुनिए एक्सेल बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ए वन पे कुछ वैल्यू डाला हुआ है, ठीक है ना, आपने इक्वल ए वन किया तो वैल्यू आ जाएगा जी, अच्छा है ना सर, हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर मैंने यहां ए वन लिख दिया और यहां मैं बोलता हूं इक्वल ए, तो ए वन आएगा सर, ए वन दिख जाएगा ना सिर्फ, हाँ जी। तो इस सेम चीज में यहां हुआ कि अगर मैंने इस इन्वर्टर को हमें डायरेक्ट डाल देता, एन डाल देता, तो वो एन को रीड ही नहीं करता, क्योंकि एक्सेल के अंदर में से इसी को देख लीजिए, अगर मैंने इन्वर्टर को हमें एन को डाल दिया तो फिर एन पे डब्ल्यू वैल्यू को पिक नहीं करेगा, एन करेक्टर को टेक्स्ट, ओके हाँ कैरेक्टर को, राइट। तो उसी तरह से अगर ये इन्वर्टर कॉमा में अंदर रहता, यहाँ पे एन रहता, तो एन कैरेक्टर होता हो, एन वैल्यू, एन की वैल्यू नहीं लेता हो जी, जी, जी। एक एन एड्रेस नहीं होता, एक कैरेक्टर हो जाता जी, जी, जी। अब एन एक एड्रेस हो गया जिसपे जो वैल्यू होगी अमर पूजा श्याम गीता मीता उसको लेगा और 2022 में क्या करेगा, कॉन्कनेट मतलब वो कर देगा, जोड़ दे, कंबाइन कर देगा, वो कंबाइन कर देगा और फिर उससे नेम, फिर जो नेम आएगा उसमें इसका एक्सटेंशन को कंबाइन कर देगा, ठीक है। तो एक्सेलस एक्स, एक्सेलस एक्स नाम का फाइल बनाना, राइट, एक्सेल एक्स एस, राइट, एक्सेलस एक्स हो गया, मतलब एम हटा दिया था मैंने। अब मैं इसको रन करूं जी, जी। और रन करने के बाद यहाँ मैसेज बॉक्स भी दे सकते हैं, MSG बॉक्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि जॉब इज डन, ठीक है।
जॉब इज डन। अब माइक्रो में गया और इसको यहां से रन कर दिया, नाम पूछा है तो मैंने इसका नाम दिया देव एंड ओके। कुछ ही एक मिनट, इसमें एरर आ गया, डिबग करता हूं पता चल जाएगा। हाँ अच्छा, ये फाइल टाइप अलग था ना, एक्सेलएस एम में होता है। हाँ एक्स एस होगा, एम होगा सर, एक्सेलएस। हाँ हाँ सॉरी, क्योंकि सर यहाँ पे देखिए ओपन एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्क दिख रहा है सर। हाँ 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 मैं वो नॉर्मल एक्सेल की बात। ठीक है ठीक, सही है। और रिकॉर्ड करते समय ले लिया था, रिकॉर्ड्स में एक्सेलएस एक्स लेना चाहिए था। ओके जॉब इज डन। यस, आप जाके देखेंगे किसमें, अपने जी के 2022 के अंदर अमर का, यहाँ देव का फाइल आ गया। यस आ गया सर जी जी और देव के अंदर देव का ही डेटा होगा या देव। तो अब बोलते हैं इसकी प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, इस पे ध्यान नजर आते हैं। देखिए रिकॉर्डिंग माइक्रो का, अगर सिर्फ रिकॉर्डिंग माइक्रो पे सब कुछ करना चाहते हैं तो आपका काम नहीं होगा। रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज हम दो केसेस में करते हैं, लर्निंग पीरियड में एज ए डिक्शनरी। जैसे मुझे पेस्ट स्पेशल के इसमें फिल्टर का पता नहीं था तो फिल्टर रिकॉर्ड कर लिया, फिल्टर कोड मिल गया। फिल्टर में यहाँ देखिए ये ऑटोमेटेड नहीं है, इसको हम ऑटोमेट कर देते हैं, हम A1 कर दिया। क्यों? क्योंकि हम फिल्टर लगाते समय जरूरी नहीं पूरा डेटा सिलेक्ट करते हैं, हम A1 पे कर्सर रखते हैं फिल्टर लग जाता है ना। तो इसमें भी हम A1 कर दिया क्योंकि रेंज था, तो रेंज होने से क्या होता है फिक्स हो जाता है हमारा। इसलिए समझ गए, जो पहले था हम एक पर्टिकुलर रेंज को ले रहे थे, अब क्या करेगा A1 से ही वो स्टार्ट कर देगा जहां पर करंट रीजन ले लेगा। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग माइक्रो का है, तो शुरुआती में जब लर्निंग पीरियड में जब होते हैं तो रिकॉर्डिंग माइक्रो की सहायता लेके आप इस तरह से छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, रन कीजिए, डिबग कीजिए, कोड दिखेगा, कोड को समझिए, गलती निकालिए, फिर उसको चेंज कीजिए। जैसे अभी मैंने रन किया तो डिबग किया तो एरर आया यहाँ पे, तो मैंने चेंज किया चल गया जी। तो अभी जो है आपका यही पीरियड रहेगा, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। यस,